उसमें जनाब जगह रखूंगी, बहुत खूबसूरत मेरे फूल बड़े लगे हैं। वही रेट टू मंथ बिस्मिल्लाह मैंने बच्चा हुआ रहमान है। रहीम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ग्रेड वन। नाउ ओपन योर इंटरनेशनल प्राइमरी साइंस बुक वन पेज नंबर 77। इंटरनेशनल प्राइमरी साइंस बुक वन आपकी टेक्स्ट बुक है, जो रीडिंग बुक है उसका पेज नंबर 77 ओपन करें। उसके बाद हम वर्कबुक की एक्सरसाइज बुक में करेंगे, ठीक है? सही है बेटे, ओपन कर लिया सबने? बेटे पेज नंबर 77। अच्छा, हम लोग ने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था एनिमल्स होम, एनिमल्स के होम्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। टीचर पेज नंबर 77। अच्छा, एनिमल्स होम्स के बारे में पढ़ रहे थे हमने अपनी लास्ट क्लास में जो पढ़ा है। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में रिव्यू देना चाहूंगी। एनिमल्स नीड फूड, वाटर एंड होम्स। एनिमल्स को क्या नीड होती है? फूड, वाटर एंड होम्स की, ठीक है? एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दे कैन रिप्रोड्यूस। एनिमल्स भी जो है वो मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे, और वो भी जो है रिप्रोड्यूस होते हैं। वो क्या होते हैं? वो बढ़ते हैं, ठीक है? तो ह्यूमंस लाइक एनिमल्स नीड फूड, वाटर एंड होम्स। जिस तरीके से हम इंसानों को खाना, पानी और घर चाहिए होता है, इसी तरीके से एनिमल्स को भी नीड होता है वाटर, फूड और होम्स, ठीक है? वी कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कैन रिप्रोड्यूस। हम भी देखें एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ना, और हम भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ एनिमल्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं वो स्विम करते हैं। उनके डिफरेंट वेज होते हैं मूव करने के, डिफरेंट वेज होते हैं मूव करने के एनिमल्स के। सम एनिमल्स फ्लाई, सम एनिमल्स स्विम, सम एनिमल्स रन। एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन डिफरेंट वेज, ओके? अच्छा, अब इसी तरीके से एनिमल्स जो है वो अपने घर में अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, और उन्हें घर की जरूरत होती है ताकि वो अपने आप को वहां पे अपने आप को महफूज रख सके, ठीक है? सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एनिमल्स की बेबीज की तरफ। किटन आर द यंग, किटन्स आर द यंग ऑफ कैट्स। किटन्स जो होती है ना, बिल्ली की छोटी छोटी सी बेबीज होती है, उन्हें कहते हैं किटन्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कैट की बेबीज को, कैट की बेबीज को कहते हैं किटन्स कहते हैं। किटन्स आर द यंग ऑफ कैट। किटन्स जो होती हैं वो कैट की यंग्स होती हैं, वो उनकी बेबीज होती हैं। द मदर कैट बर्थ टू किटन। मदर कैट होती है ना, वो उनको बर्थ करती है। अडल्ट एनिमल्स कैन हैव यंग। अडल्ट एनिमल्स होते हैं ना, बड़े एनिमल्स होते हैं, ग्रोन एनिमल्स होते हैं, कैन हैव यंग। दे कैन रिप्रोड्यूस, सम एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। कुछ एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं एग्स ले करके, ठीक है? सम लाइक कैट्स गिव बर्थ टू लिव यंग। अब हमारे पास लायन है, लायन की बेबी को कहते हैं कब। लायन की बेबी का मैंने नाम बताया था आप लोगों को, कब। लायन की बेबी को क्या कहते हैं? हाँ, कब। इसी तरीके से बटरफ्लाई का जो बेबी होता है ना, वो उसको कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहते हैं? कैटरपिलर, कैटरपिलर। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने बुक के पेज नंबर, बुक के पेज नंबर आ जाते हैं 79। ओके, वेयर डू यू लिव। हम कहाँ रहते हैं? कैन यू डिस्क्राइब योर होम? आवर होम्स प्रोवाइड अस विद शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर होम। हमारे घर जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमें शेल्टर भी और प्रोटेक्शन भी, ठीक है? हमें गर्मी, हम जब ज्यादा ज्यादा वेदर हॉट होता है, जब वेदर कोल्ड होता है, तो हम क्या करते हैं? गर्मी गर्मी सेफ महसूस करते हैं ना अपने आप को। वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इन आवर होम। हम अपने घर में अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं। करते हैं ना आप लोग भी अपने घर में सेफ और कंफर्टेबल फील? इसी तरीके से एनिमल्स भी अपने आप को अपने घर में सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं। सम एनिमल्स नीड होम फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेदर्स, अदर एनिमल्स एंड डेंजर। वो अपने आप को दूसरे डेंजरस एनिमल से सेफ रखने के लिए अपने आप को अपने घर में सेफ महसूस करते हैं।
They need homes for reproduction and to raise their young too. Some use their homes to store food as well. कुछ एनिमल्स अपने घरों को अपने फूड को स्टोर करने के लिए भी यूज करते हैं. एनिमल्स एनिमल्स लिव इन द वाइल्ड. दीज आर द होम्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स. A rabbit can hide in its burrow to escape from danger. Rabbit जो है वो अपने आप को हाइड करता है बुरो के अंदर. वो किस वजह से, जब उसको बहुत ज्यादा किसी एनिमल से डर लगता है तो वो अपने अपने जो है बुरो के अंदर जाके जो है वो अपने आप को हाइड कर लेता है, अपने आप को छुपा लेता है. ठीक है. बी रेज देयर यंग इन देयर बी हाइव. बीज जो होती हैं वो अपने क्या नाम है यंग्स को जो है वो बी हाइव के अंदर रेज करती हैं. ठीक है, सही है. दे ऑल्सो स्टोर हनी एंड पोलन देयर. वो अपना हनी भी उधर ही स्टोर करती हैं और वो जो डिफरेंट फ्लावर से अपना पोलन कलेक्ट करके लाती हैं वो भी वो उसी के अंदर वो जमा करती जाती हैं. ठीक है, सही. अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर, हम अपना ओपन करेंगे पेज नंबर 80. अच्छा बेटे, पेज नंबर 80 पे क्या बताया गया है हमें. सम एनिमल्स लाइक रैबिट्स एंड माइस डिग होल्स. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिट है, माइस है, वो क्या करते हैं वो डिग होल, होल होते हैं ना वो उसके अंदर वो होते हैं. ठीक है, और टनल अंडरग्राउंड टू बिल्ड देयर होम्स. वो वहां पे अपना घर बनाते हैं. और टनल, टनल क्या है, एक आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड होता है, पैसेज होता है, उसे हम कहते हैं टनल कहते हैं. ठीक है, वो वहां पे अपना घर बनाते हैं. ज्यादा जो है वहां पे कौन से एनिमल्स होते हैं, वहां पे रैबिट होते हैं और माइस होता है. आपने देखा है ना अक्सर माउस होता है, वो कहाँ से आ रहा होता है. हाँ, वो छोटे छोटे वो जो सुराख होते हैं उनसे आ रहे होते हैं, बिग होल्स के अंदर से और टनल के अंदर से. ठीक है, सम एनिमल्स बिल्ड देयर होम्स यूजिंग मटेरियल दे कैन ऑल्सो फाइंड अराउंड देम. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपना घर खुद बनाते हैं. ठीक है, सही है. एंड यूजिंग वो डिफरेंट मटेरियल से बनाते हैं अपने घर को. ठीक है, अच्छा. आंट ले, अच्छा मैं आपको बता दूं, आंट जो है ना वो कहाँ रहती है. आंट जो है ना एक आंट हिल होता है, वहां पे रहती है. ठीक है, इसी तरीके से बी जो होती है वो बी हाइव के अंदर रहती है. ठीक है, अच्छा अच्छा. आप लोगों ने कभी देखा है काऊ का भी एक घर होता है. काऊ कहाँ रहता है, काऊ लिव इन शेड, पता है आपको, वो शेड के अंदर रहता है. इसी तरीके से चिकन है, आपने चिकन देखा है ना, चिकन, चिकन कहाँ रहती है, वो कूप्स में रहती है. कहाँ रहती है वो कहाँ रहती है चिकन, कूप्स में रहती है, वो उसका घर होता है कि कूप्स. ठीक है, माउस लिव इन अ होल. इसी तरीके से फ्रॉग रहता है, वो पॉन्ड में रहता है. फ्रॉग कहाँ रहता है, पॉन्ड के अंदर रहता है. और मरीन एनिमल्स लिव इन ओशियन. और स्क्वेरल जो होता है वो रहता है ट्री के हॉलो के अंदर. वो किसके अंदर रहता है, वो ट्री के अंदर जो होल सा बना हुआ होता है ना, वो स्क्वेरल वहां रहता है. ठीक है बेटा, सही. अब बर्ड यूजेस ट्विग्स टू बिल्ड इट नेस्ट. बर्ड जो है वो अपना घर बनाने के लिए ट्विग्स को यूज करती है ताकि वो अपना छोटा सा नेस्ट बना सके. नेस्ट क्या होता है, वो उसका छोटा सा घोंसला होता है ना नेस्ट, वो जिसमें एग देती है. वो जाती है, वो डिफरेंट जगहों से ट्विग्स कलेक्ट करके लाती है और फिर वो अपना नेस्ट बनाती है. आपने देखा है ना ट्विग क्या होता है, ट्विग छोटा छोटा सा जो जो एक ड्राई सा वो होता है, ट्विग जो है एक ड्राई सी लकड़ी सी होती है. वो छोटी छोटी सी ना ड्राई सी जो है ना लंबी लंबी सी घास की तरह ही होती है. वो ग्रीन नहीं होती है, वो ब्राउन कलर की होती है. वो उसको कहते हैं ट्विग्स कहते हैं. ठीक है, सम वाइल्ड एनिमल्स बिल्ड देयर ओन होम्स. कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो अपना घर नहीं बनाते हैं. दे सी शेल्टर इन ट्रीज और अमंग ट्रीज एंड बुशेस. अच्छा, अब जो है वो क्या तलाश करते हैं, वो अपनी अपने आप को सेव करने के लिए, वो अपने आप को शेल्टर, जैसे उनको अपने शेल्टर लेने के लिए वो क्या करते हैं, वो केव्स आपने देखा है, छोटे छोटे से अक्सर केव्स कहते हैं, गार को कहते हैं. किसको कहते हैं, गार को कहते हैं, केव्स कहते हैं. ठीक है, वो वहां अपना शेल्टर अपने आप को सेव करते हैं, वो तलाश करते हैं, सीख करते हैं वो शेल्टर केव्स में. और वो अक्सर ट्रीज के बुशेस के नीचे वो अपने आप को जो है अपना घर बना ले. घर तो उनका होता ही नहीं है, सही है, तो वो वहां अपना जो है रिहाइश कर लेते हैं या वो वहां पे रह जाते हैं. ठीक है, अब मंकी स्लीपिंग ऑन अ ट्री. अब आपके सामने देखें बुक में मंकी है, मंकी कहाँ पे स्लीप कर रहा है, वो ट्री के ऊपर स्लीप कर रहा है. कहाँ पे स्लीप कर रहा है वो, रखी रहती
आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है, ठीक है, हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करके. नाउ ओपन योर वर्ड बुक इंटरनेशनल प्राइमरी साइंस वर्ड बुक 1. नाउ ओपन योर वर्ड बुक हरिया पेज नंबर 52 एक्टिविटी 4.2 एनिमल्स एंड देयर यंग. पेज नंबर 52 एनिमल्स एंड देयर यंग. जी बेटे एनिमल्स एंड देयर यंग पेज नंबर 52. बेटे पेज नंबर 52 ओपन करें. पेज नंबर 52 ओपन करें. जी एक्टिविटी 4.2 एनिमल्स एंड देयर यंग. Match the adult animals. Match the adult animals. Their young. आपने मैच करना है अडल्ट एनिमल्स को उनके यंग के साथ. सबसे पहली पिक्चर हमारे सामने हैन की है. बताएं जरा हैन की जो है बेबी होती है उसे क्या कहते हैं. हैन का जो छोटा सा बेबी होता है उसे क्या कहते हैं. वेरी गुड. हैन की बेबी छोटी है. अडल्ट एनिमल तो हैन हो गया, उसकी बेबी चिक हो गई, यंग उसका चिक हो गया, ठीक है. नेक्स्ट बटरफ्लाई. बटरफ्लाई अच्छा बटरफ्लाई तो अडल्ट हो गया, उसका यंग क्या होगा. बटरफ्लाई का अडल्ट बटरफ्लाई तो उसका अडल्ट है, उसका यंग कैटरपिलर. वेरी गुड कैटरपिलर. कैटरपिलर बेटे मैच हो रहा है. ओके फ्रॉग. किससे मैच होगी. फ्रॉग की पिक्चर किससे मैच होगी. फ्रॉग का यंग क्या है बताएं जरा. उमर टैडपोल. टैडपोल टैडपोल फ्रॉग का यंग है टैडपोल. ओके लास्ट वन हॉर्स. हॉर्स की बेबी को क्या कहते हैं बताएं जरा मुझे. हॉर्स की बेबी को टैडपोल. नो हॉर्स की जो यंग होता है उसको फॉल कहते हैं. फॉल एफ ओ ए एल फॉल. ओके डांस सबका. बेटा आप सब अपना माइक को म्यूट करें जिससे मैं आपकी बात सुन सकूं. पिक्चर हमारी फ्रॉक की है. फ्रॉक की पिक्चर टैडपोल से मैच होगी. जो सबसे पहली पिक्चर है वो टैडपोल की है. फ्रॉक का जो यंग होता है उसे हम टैडपोल कहते हैं. हैन का जिस तरह यंग चिक है इसी तरीके से बटरफ्लाई का जो यंग है वो कैटरपिलर है. फ्रॉग का जो यंग है वो टैडपोल है. ये उनकी बेबीज होते हैं जिस जो छोटे होते हैं ना उनको यंग कहते हैं, ठीक है. हॉर्स का यंग होता है फोल होता है, ठीक है. सही है. डन ऑल ऑफ यू हैव डन. अब बेटा आप लोगों का होमवर्क मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुने. पेज नंबर 53 आपका होमवर्क है. एक्टिविटी 4.3 है. आपने पिक्चर देख के बताना है कौन सा वाला एनिमल का कौन सा वाला घर है, ठीक है. ये आप एनिमल्स के होम्स बताने हैं आपने, ठीक है. ये आपका होम टास्क है, आपने खुद से करना है, ठीक है. सही है, समझ आ रहा है. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो